जैसे तुम ज्यादा ठीक से जानती भी नहीं हो, लेकिन इसमें मेरी भी गलती नहीं है। ये एक मजबूरी थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। तुम्हारी इसमें कोई भी मजबूरी नहीं है, मजबूर और बेबस तो मैं थी, इसलिए तो मैं तुम्हारी झांसी में आ गई, वरना मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करती। देखो, अब तुम चाहे कुछ भी कहो, अब हमारी शादी हो गई है तो हम उसे बदल तो सकते नहीं है। अगर तुम्हें मेरे रूम में आना है तो आओ, वरना मैं जा रहा हूँ। बताओगी कि तुमने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया? इनफैक्ट मेरे बॉयफ्रेंड को भी साथ में बुलाने को कहा। बोलो। देखो,
मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों BFNGF हो, बिकॉज तुम लोग हमेशा अलग रहते हो और जब भी मुझसे मिलने को होता है तुम दोनों साथ में आ जाते हो। कुछ गड़बड़ है आयु, तुम मुझे बताओ। देखो, अब तुम डिटेक्टिव बन रहे हो, हमारे पीछा कर रहे हो, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी भी पर्सनल लाइफ है, हम लोग अकेले अकेले भी रहते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हम BFNGF है तो साथ में ही रहेंगे। अब तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? और वैसे भी अब जो सच है वो तो सच है ना। लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा आयु। आई नो कि तुम झूठ बोल रही हो, अगर झूठ बोल रही हो तो सच बोल दो। ओके फाइन, तुम्हें ऐसे बिलीव नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, मैं प्रूफ देती हूँ, रुक जाओ। अब मुझे ऐसे मत देखो, मैंने जो भी किया तुम्हारी एक्स को यकीन दिलाने के लिए किया, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। देखो, तुम उल्टा सीधा मत सोचना, ओके? अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? चलो अब घर चलते हैं। हाँ, ये क्या है? तुम क्या करने वाली हो? ओह, अब तुम तो गए। अरे अरे, सॉरी सॉरी, मेरी बात तो सुनो। अरे पागल लड़की।
कुछ बात करनी है चलो। फिर उसके बाद योंगी जिमिन को वहाँ से लेकर आता है और सोफे पे बैठा देता है और बोलता है, मुझे तुमसे कुछ कहना था। अब आजकल तुम काम में बहुत बिजी रहती हो ना, इसलिए बोल नहीं पाया, लेकिन अब बोलना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मुझे तुमसे बस एक छोटी सी चीज चाहिए। हाँ बताइए, आपको क्या चाहिए? अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर दे दूंगी। ये सब कार्ड्स वो तुम्हारी बस में है, इनफैक्ट तुम्हारे अलावा ये मुझे कोई और नहीं दे सकता। एक्चुअली मुझे बच्चा चाहिए। और ये तो तुम्हारी बस में है ना, तो इसीलिए मैं तुमसे मांग रहा हूँ। देखो प्लीज मुझे दे दो। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? आपको क्या लगता है ये सब मजाक है? आप ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ ना, तुम भी चुपचाप प्यार से ही बात करो। अगर तुमने अपनी आवाज ऊंची करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप ऐसी बात ही कर रहे हैं कि मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये गलत है। देखो जो मेरा है मैं बस वही मांग रहा हूँ, मुझे बच्चा चाहिए, वो भी तुम्हारा और मेरा। ये आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप अचानक से ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? देखिए आपको अगर बच्चा चाहिए तो आप अडॉप्ट कर लीजिए ना। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मुझे तुम्हारा और मेरा बच्चा चाहिए, मेरा खुद का खून, मुझे खुद की औलाद चाहिए, समझ गई? एंड मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से दोगी कैसे दोगी, लेकिन मुझे चाहिए तो चाहिए। और तुम्हें पता है कि डॉक्टर से जब मैंने ये बात बोली तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि तुम्हारी बॉडी अभी बेबी कैरी करने के लिए रिकवर नहीं है, तो बस इसीलिए मैं तुम्हारा इतना ध्यान रख रहा हूँ। बस एक महीने और, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और इन एक महीने में मैं तुम्हें इतना कुछ खिला दूंगा कि तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, एकदम परफेक्ट। और एक बार तुम्हारी बॉडी एकदम परफेक्ट हो गई ना, तो तुम बेबी को आसानी से कैरी कर पाओगी। और ये काम मैं जल्दी करूँगा, ओके? तुम अब आराम करो। और हाँ, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, मैं मेड लगवा दूंगा। इतना प्यार तुमको करते। ओके लव, अब जाओ और आराम करो, ओके? मैं जा रहा हूँ ऑफिस का काम करने, बाय। ओह माय गॉड, अब मैं ये किस मुसीबत में फंस गई? मैं क्या करूँगी? मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती। नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, अब बहुत हो गया, मैंने बहुत सह लिया। इनका पागलपन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आज ये मांग लिया, कल को कुछ और मांग लेंगे, तो क्या करूँगी मैं? नहीं, मुझे ऐसे भागना होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टेको की शादी का दिन भी आ जाता है। वाओ मैम, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। आज आपकी बहन की शादी है, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। ओके मैम, मेरा काम हो गया, अब मैं चलती हूँ, बाय। मुझे आज ही कुछ करना होगा क्योंकि आज बहुत सारी भीड़ है। अगर मैं चाहूँ तो आज निकल सकती हूँ यहाँ से, और अगर मैं यहाँ से आज नहीं निकल पाई ना, तो हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं के घर में कैद हो जाऊंगी। फिर उसके बाद जिमिन बाहर आती है जहाँ पर योंगी उसका वेट कर रहा था। शादी
शादी का टाइम भी हो गया है, हमारा सब लोग वेट कर रहे होंगे। चलो फिर उसके बाद ये लोग भी वेडिंग हॉल चले जाते हैं। ऐसे टाइम बीत जाता है और शादी का टाइम भी आ जाता है। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। दूरियां इस कदर की बड़ी दरमियां, दूरियां इस कदर की बड़ी दरमियां, पास रहकर भी कोई नहीं है खबर। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान। पछताएगा उम्र भर दुख भरे गीत ही गाएगा। प्यार तुझसे करेगा जो पछताएगा, उम्र भर दुख भरे गीत ही गाएगा। जिंदगी की उसे फिर जरूरत नहीं, जिंदगी की उसे फिर जरूरत नहीं, तेरे पहलू में घुट घुट के मर जाएगा। इश्क सुभान, सवेरा हुआ। उनसे नजरें हटाऊं तो दिखता नहीं, उनसे नजरें हटाऊं तो दिखता नहीं, इश्क ने इस तरह से है घेरा हुआ। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। नादानगी पे तरस खाइए, दिल तो पागल है इतना न धड़काइए। कहने पे दिल से निकल